नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की, जय माता दी दोस्तों। और आपको तो पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी और साथ ही नवरात्रों को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिन भी माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा आपके घर आती है, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती है और आप इनके लिए उपवास व्रत आदि भी रखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रों के दिनों में बहुत से ऐसे भी उपाय होते हैं जिनको करने से आपका घर धन संपदा से भर जाता है। साथ ही अगर आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी परेशानियां चल रही हो, वह भी समाप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही उपाय बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में सुनाए, क्योंकि एक महिला ने प्रश्न पूछा कि लोग माता दुर्गा को इतनी प्रिय क्यों होती है और इनके व्रत में इनका क्या महत्व है। साथ ही इनके कुछ उपाय भी बताए जिससे धन संपदा घर आती है और घर में वृद्धि होती है मान सम्मान की। तो चलिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑलवेज ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और माता दुर्गा से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है और नवरात्रों के दिनों में बिना लौंग के माता दुर्गा की पूजा भी संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसे में मान्यता यह भी है कि नवरात्रों में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माता दुर्गा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है और आपकी धन समृद्धि में वृद्धि भी होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि लौंग के कुछ चमत्कारी उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में सुनाए थे। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय धन पाने के लिए है दोस्तों। नवरात्रों में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों के किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक गुलाब और दो लौंग ले लेनी है। दोस्तों एक गुलाब और दो लौंग लेकर आपको किसी नज़दीक के माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाना है। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है या मंदिर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में या माता दुर्गा की किसी भी मूर्ति के सामने आप यह कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप वहां भी यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको गुलाब और जो दो लौंग आपने ली है उनको हाथ में ले लेना और माता दुर्गा का कोई भी मंत्र आपको दो बार बोलना है और पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के चरणों में यह दो लौंग और गुलाब आपको समर्पित कर देना है और मन ही मन माता दुर्गा से आपको यह प्रार्थना भी करनी है कि हे माता, हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको ख़त्म करे और हमें सही रास्ता दिखाए। साथ ही अपनी कृपा भी हमारे परिवार पर और हमारे ऊपर बनाए रखे, ताकि हमारी धन संपदा में भी वृद्धि हो और मान सम्मान बढ़े। साथ ही घर में कोई भी बीमारी हो वह भी नष्ट हो जाए और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो दोस्तों आपको यह उपाय नवरात्रों में किसी भी दिन करना है, लेकिन जब भी आपको करना है स्वच्छ मन और साफ सुथरे मन से यह उपाय आपको करना है। तो साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लौंग का यह उपाय बहुत ही सटीक और कारगर है जो बागेश्वर धाम सरकार ने उस महिला को बताया। इससे आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और घर की बरकत में भी बढ़ोतरी होगी और मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं लौंग के दूसरे उपाय की। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, बार बार आप इंटरव्यू देते हो और फेल हो जाते हैं, साथ ही सरकारी नौकरी में भी किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने यह उपाय बालाजी सरकार से पता किया है। साथ ही आपको बता दें कि यह उपाय बागेश्वर धाम सरकार अपनी हर कथा और अपने हर प्रवचन में भी बताते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको नवरात्रों के दिनों में किसी भी दिन दो लौंग ले लेनी है हाथ में और अपने सर के ऊपर से क्लॉक वाइज 7 बार घुमानी है। और साथ ही दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग को अपने सर के ऊपर से घुमा रहे हो तब माता दुर्गा का कोई भी मंत्र आपको मन ही मन जाप करना है। उसके बाद आपको 7 बार लौंग घुमानी है और माता दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको बोलना है कि हे माता दुर्गा, हमारे ऊपर जो भी कष्ट आया उसको ख़त्म करे, साथ ही हमारे काम सिद्ध करे, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करे, ताकि हमारे घर में बरकत बढ़े और आदर सम्मान भी बढ़े और हमारे कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही है उसको आप ख़त्म करें, हमारा रास्ता सुनिश्चित करें। तो ऐसे में माता दुर्गा जल्द ही आपकी हर मनोकामनाएं सुनती है और मनोकामनाएं पूर्ण भी करती है। तो एक बार ज़ोर से जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। तो
तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि लौंग के यह उपाय बहुत ही कारगर है। लेकिन आपको उपाय करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका मन स्वच्छ होना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से आपको यह उपाय करने हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन उपायों को करते समय आपके मन में कोई भी गंदे विचार न हो और आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी।